अभी तक अपना चैप्टर 5 ही खत्म नहीं हुआ। अच्छा तो कौन से स्कोप पढ़ेंगे बेटा, माइक्रो वाले की मैक्रो वाले? माइक्रो क्या कर सकते हैं बेटा, पढ़ सकते हैं बेटा। बेटा बिजनेस के सामने हमेशा कंसर्न होंगे, क्योंकि कोई भी बिजनेस बिना तकलीफ के कभी नहीं किया जा सकता बेटा। तकलीफ ही तो आएंगे बेटा। बिजनेस का दूसरा नाम गुड, थोड़ी तकलीफ रहेगी, गेट बंद कर दो बेटा, ये भी तकलीफ है बेटा। धन्यवाद। तो बिजनेस के सामने दो कंसर्न है, पहला तो इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। पहली वो परेशानी है जो हमारी खुद की वजह से आती है, दूसरी वो जो हमें बाहर से झेलनी पड़ती है। क्या कर सकते हैं हम? तो जो इंटरनल है बेटा वो कंट्रोलेबल है, अपने कंट्रोल में बेटा। जो एक्सटर्नल है बेटा वो कंट्रोल में नहीं है भाई। जो हमारी खुद की प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, सामने की प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं हम। अब आधे बच्चे चले गए तो बेटा उनकी प्रॉब्लम है, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा? कोई बात नहीं, अच्छी बात है बेटा, ये तो अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, हार्दिक प्रसन्नता का विषय बेटा ये तो। सामने के सामने ही है तो बेटा पहले वो कंसर्न जो हमारे इंटरनल कंसर्न है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, उसमें पहला बेटा अपना फर्स्ट माइक्रो लेवल पे है, इंटरनल इश्यूज है। तो पहला है डिमांड को एनालाइज करना और फॉरकास्ट करना। दिवाली आने वाली है बेटा, जानते हो क्या आप? तो मिस्टर बर्फी आपको ही पता लगा दिवाली आने वाली है, गुड। कल कल क्या था? वेरी गुड। कल दिवाली थी बेटा, गरीबों की दिवाली, दशहरा, जैसे गरीब की गाय बकरी होती है। तो नॉर्मल बेटा दिवाली आने वाली है और जो बिजनेसमैन है बहुत खुश है, क्योंकि उन्होंने काफी कमाई की है बेटा अभी नवरात्र स्थापना में। नवरात्र में उन्होंने जम के पैसा कमाया। वो 15-20 दिन जो श्राद्ध गए थे और मार्केट बिल्कुल डाउन था, वो मार्केट एकदम कहाँ गया अप। और कल की बात की जाए तो कल लोगों ने जम के गाड़ियां खरीदी है विजयदशमी पे, शुभ मुहूर्त होता है गाड़ियां खरीदने का, बहुत गाड़ियां खरीदी कल। तो नॉर्मली मुद्दा यहां पर यह है बेटा कि अब डिमांड को फॉरकास्ट तो करना ही पड़ेगा ना। आप क्या काम करते हैं और किस सीजन से इफेक्टेड है उसकी तैयारी करके चलना है बेटा आपको। अगर आप कपड़े बेचते हैं तो बहुत सही टाइम आने वाला है आपके लिए, क्योंकि दिवाली पे लोग कपड़े, और साथ में शादी का सीजन भी क्या हो रहा है बेटा स्टार्ट, तो शादियाँ भी और हाँ सावे भी और दिवाली भी और कपड़े भी और पटाखे बेचते हैं तो उनके लिए भी क्या आने वाला है बेटा, वो मिठाई बेचने वालों के लिए, सबके लिए एग्जैक्टली। तो बेटा यहाँ पर
डिमांड फॉरकास्टिंग हमारा काम है जो हमें करना पड़ेगा बेटा, यानी हमें डिमांड का प्रिडिक्शन करना पड़ेगा कि फ्यूचर में डिमांड कितनी होने वाली है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें डिमांड को एनालाइज करना है और डिमांड को क्या करना है बेटा, फॉरकास्ट, हमारे लिए पहला काम। दूसरा जो काम बेटा हमारे लिए है वो है बेटा प्रोडक्शन और कॉस्ट को एनालाइज करना। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा एक लाइन आप लिख लें बेटा, मुद्दा है बेटा कॉस्ट मिनिमाइज आउटपुट मैक्सिमाइज, कॉस्ट मिनिमाइज आउटपुट मैक्सिमाइज। कॉस्ट को कर दो कम से कम, प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा। प्रोडक्शन बढ़ाते जाओ, कॉस्ट कम करते जाओ बेटा, प्रोडक्शन बढ़ाते जाओ और कॉस्ट को कम करते जाओ। कॉस्ट मिनिमाइज प्रोडक्शन मैक्सिमाइज। भैया खर्चा लगे कम से कम, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसमें तीन चीज़ें अंडरलाइन कर लेना बेटा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब होता है मेंटेन करना है आपको ये तीन चीज़ें, वर्क इन प्रोसेस, रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड। तीनों की प्रॉपर क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए। कभी ऐसा हुआ कि आप समोसे लेने गए, समोसे लेने गए कभी आप? कभी ऐसा हुआ कि उससे बोला समोसे खत्म हो गए, अभी नए तल रहे हैं वहाँ पे गर्म गर्म, होता है क्या ऐसा? तो उसका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट प्रॉपर तब होता है जब वो समोसे जो ट्रे में है वो खत्म होने से पहले जो अंदर है बेटा वो कहाँ पहुँच जाने चाहिए थे। लेकिन लोगों को क्या करना पड़ रहा है, और ज़्यादा लोग तो वेट करते भी नहीं है, अच्छा टाइम लगेगा चलो अगली दुकान से ले लूँगा। तो आपका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर रॉ मटेरियल आपके पास होना चाहिए, वर्क इन प्रोसेस आपके पास पूरा होना चाहिए, और फिनिश गुड आपके पास प्रॉपर होने चाहिए। और फिनिश खत्म होने से पहले पहले जो वर्क इन प्रोसेस है बेटा वो कन्वर्ट हो जाना चाहिए किसमें, फिनिश में। गोलगप्पे खाने जाते हो क्या? कभी ऐसा हुआ कि शाम के टाइम गोलगप्पे खाने के मसाला खत्म हो गया? कभी नहीं हुआ? कम खाते हैं, नहीं तो कम ही खाते हैं बेटा लोग तो। पर कभी तो जिंदगी में ऐसा होता है कि रात को लेट हो गए गोलगप्पे खाने पहुंचे, बोले सब मसाला खत्म हो गया, पानी पी लो ऐसे प्याऊ लगा रखा है। हाँ वैसे जिन लोगों को जुकाम होता है ना बेटा वो पानी पीने ही जाते हैं बेटा, और पानी तो जब तक तो चार पांच बार ना पिए तब तक तो लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं होता। 5 रुपए गोलगप्पे खाएंगे 20 रुपए का पानी पियेंगे भैया पानी, और ऊपर से बेटा वो तो हमारा बर्थ राइट है, जन्मसिद्ध अधिकार है, गोलगप्पे खाएं तो पपड़ी तो खाएंगे ही। वेरी गुड बेटा, इंडियंस वी आर। तो तीनों का प्रॉपर स्टॉक आपके पास होना चाहिए, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर से ही डिसाइड होती है प्राइस पॉलिसी। आपका बिजनेस कहां पर है, मार्केट की कंडीशन क्या है, आपकी दुकान राजा पार्क में है तो प्राइस कम रखोगे कि ज्यादा, और लोकल मार्केट में है तो जैसा मार्केट वैसी प्राइस, जैसा मार्केट वैसी प्राइस। इसके बाद बेटा रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स ये भी तो इंपॉर्टेंट काम बेटा, किस आदमी को किस काम पर लगाया जाए जिसमें उसकी एबिलिटी सबसे ज्यादा हो, तो रिसोर्स एलोकेशन भी आपको करना पड़ेगा, और साथ में इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी आपको लेने पड़ेंगे बेटा। इन्वेस्टमेंट बिजनेस की जान है बेटा, बिजनेस की लाइफ लाइन होता है पैसा। अगर आपके पास प्रॉपर पैसा है तो आप बेटर तरीके से बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, और जहां पर पैसे की कमी होती है बेटा वहां बिजनेस चलाना बहुत, राजस्थान की पुरानी कहावत, ओछी पूंजी धनी को खाती है, सुनिए एग्जैक्टली, तो ओछी पूंजी धनी खाएगी बेटा। तो पैसा प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि अगर पैसा कम है तो बेटा आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन सकते बेटा, क्योंकि बिजनेस में कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है, हमारे पास प्रॉपर पैसा होना चाहिए। तो बड़ा इन्वेस्टमेंट का जुगाड़ हो तो ही बिजनेस करना, बड़ा बिजनेस मत करना। इसके बाद रिस्क और अनसर्टेनिटी, तो बताइए कौन से इकोनॉमिस्ट ने रिस्क थ्योरी दी थी बेटा हमें? हमने प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा था, इसमें रिस्क और अनसर्टेनिटी थ्योरी थी, पढ़ लिया बेटा, गुड। तो रिस्क थ्योरी इज गिवन बाय प्रोफेसर हॉले एंड अनसर्टेन थ्योरी गिवन बाय प्रोफेसर नाइट, प्रोफेसर नाइट। तो बेटा रिस्क और अनसर्टेनिटी का मुकाबला तो करना ही पड़ेगा, ये तो हमारे इंटरनल इश्यूज हो गए बेटा। कौन से इश्यूज हो गए बेटा? और आप चलते हैं बेटा किस पर बेटा? एक्सटर्नल।
जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। सबसे पहले हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा है? हमारी इकोनॉमिक कैपिटलिस्ट है कि सोशलिस्ट है कि मिक्स, जो कि हम सेकंड चैप्टर बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। बिजनेस करने के लिए सबसे बढ़िया होती है कैपिटलिस्ट भाई साहब, सबसे बढ़िया कौन सी होती है? और सबसे घटिया होती है सोशलिस्ट, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर काम कर ही नहीं सकता। दूसरा, बिजनेस साइकिल का कौन सा स्टेज चल रहा है? अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तब तो बढ़िया है बेटा, डिफ्लेशन चल रहा है तो नुकसान। इसके बाद नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ये सब कम हो रहे हैं, ये तो वही सेम पॉइंट हो गया बेटा। अगर बिजनेस साइकिल ऊपर जा रही तो ये सब कहाँ जाएंगे? इंक्रीज होंगे। और अगर सब डिक्रीज हो रहे तो डिक्रीज। इसके बाद ये सारी पॉलिसी देख पा रहे हो बेटा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कॉम्पिटिशन पॉलिसी, फिजिकल, फॉरन ट्रेड पॉलिसी, ग्लोबलाइजेशन, ये सब आप पढ़ने वाले हैं बीसी के में बेटा, बहुत डिटेल के साथ। और आप देखेंगे कि ये पॉलिसीज कैसे बिजनेस को इफेक्ट करती हैं। इसके बाद सेंट्रल बैंक कैसे काम कर रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर कैसे काम कर रहा है, पैसा है या नहीं है, कम है या नोट छापना किसका काम है? नहीं, सेंट्रल बैंक का। हाँ, इंडिया का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो आप ये कह सकते हैं कि इंडिया में नोट छापने का काम आरबीआई करता है, लेकिन नोट छापने का काम सेंट्रल बैंक का होता है। किसका होता है बेटा? इसके बाद हमारे ट्रेड यूनियंस है कि नहीं है? कंज्यूमर यूनियन है। अब जहां ट्रेड यूनियन होगी ना, वहां लेबर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता बेटा। मान लो कि आप सब एक फैक्ट्री में जॉब करते हो और आपकी एक यूनियन है, क्या है बेटा? और ये बेटा लीडर, लाल झंडा यूनियन। तो अगर अगर एक लेबर के साथ भी, तो भाई साहब मैं भी लेबर ही हूं, बस मेंटल लेबर हूं, उसमें क्या? तो मेंटल लेबर है, सीए बनके भी तो लेबर ही बनोगे, मेंटल लेबर। तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इनका, इनको टॉर्चर किया जा रहा है। जैसे इनको पता लगा, इन सबको बुलाया, सबने हल्ला बोल, झंडा उठाया और हमारी मांगे। ऐसे में लेबर एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता। जानते हैं कि लाल झंडा यूनियन के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है ना, दो प्रेसिडेंट और बैठे पीछे है ना, और दो और बैठे, देखो तीन तीन और बैठे, देखो। अरे पास पास तो है ना। तो कुल मिलाकर बेटा वहां पर लेबर एक्सप्लॉयटेशन पॉसिबल नहीं है, और जहां पर कोई यूनियन नहीं है ना, राम के जम के नहीं छोड़ो बेटा, नहीं हुई तो होता है। एम्प्लॉयज क्या होते हैं बेटा? जितना नहीं छोड़ सकते होता, वेरी गुड। जहां पे कंज्यूमर यूनियन होती है ना बेटा, वहां पे कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं हो सकता। कंज्यूमर कोर्ट का नाम सुना कभी आपने? और बाटा वाला केस में क्या हुआ था जयपुर में? बाटा वाला केस नहीं सुना आप लोगों ने? न्यूज पेपर तो पढ़ते नहीं ना आप लोग? कुछ नहीं, एक आदमी बाटा के शोरूम पे शूज लेने गया था। शूज थे 999 के, 999। दुकानदार ने 1000 रुपये ले लिए, तो उसने कहा एक काम करो बिल बना दो। उसने 1000 का बिल भी बना दिया, तो उस आदमी ने थैंक यू बोला, जाके उस बिल को सीधा कंज्यूमर कोर्ट में लगा दिया कि साहब मेरे को तो लूट लिया, मैं तो बर्बाद हो गया, 999 का जूता 1000 रुपये में। तो कंज्यूमर कोर्ट ने उसकी सुनी और दुकानदार के खिलाफ फैसला दिया। फैसला ये था कि 1000 रुपये वापस लौटाएगा, वो 1000 रुपये वापस लौटाएगा, जूते फ्री और साथ में 5000 रुपये का जुर्माना और देगा। कंज्यूमर को कितना मेंटल टॉर्चर हुआ कंज्यूमर, इसलिए 5000 रुपये और मिलेंगे। तो जूते फ्री में आए, 5000 की पार्टी और करी उसने। ये होते हैं कंज्यूमर यूनियन, पता है क्या आप लोगों को? अगर आपसे कोई जो फिक्स रेट है उससे ज्यादा अमाउंट आपसे मांगे, तो आप बिल मांग लेना और थैंक यू बोलना उसको, क्योंकि 5-10 हज़ार का फायदा होने वाले बेटा, नुकसान नहीं है। क्योंकि कंज्यूमर के राइट्स बहुत ज्यादा हैं। टीवी पर जो एड दिखाते हैं उसके ऊपर भी केस ठोक सकते हो आप। रेडबुल पे ठुकाई था, रेडबुल गिव्स यू विंग्स, तो आदमी ने कोर्ट में जाके पीली बदे को साहब ये तो नहीं आए साहब, जबकि क्लेम करते हैं रेडबुल गिव्स यू विंग्स। रेडबुल आपको क्या देता है? पंख देता है साहब, मैंने 4 पी लिया आपके सामने, देखो पंख उगे ही नहीं मेरा। तो कंपनी पे करोड़ों डॉलर्स का, क्योंकि वो अमेरिका में हुआ था, करोड़ों डॉलर्स का कंपनसेशन मिला था उस कंज्यूमर को। मजे हो गए उसके तो, पार्टी।
इंडिया में अगर कोई कंपनी ऐसा क्लेम करती है ना बेटा, तो बस टीवी पे ऐड देखते टाइम बहुत ध्यान से देखा करो, जहां पे लग रहा है कि इस कमी पे केस किया जा सकता है तुरंत केस ठोक दो। करोड़ों का कंपनसेशन मिलेगा बेटा, लाखों का तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। तो ये इससे बढ़िया बिजनेस और कोई नहीं हो सकता बेटा। रोज बैठ के टीवी देखो, एक ना एक कंपनी पे केस ठोक दो, बस अपना काम बनता। और इसके बाद सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अरे सोशल एनवायरनमेंट तो बिजनेस को इफेक्ट करेगा करेगा, नहीं करेगा क्या? आज की डेट में जो कंपनीज इंडिया में आती है तो इंडिया के जो रिलीजियस सेंटीमेंट से उसके अकॉर्डिंग तो प्रोडक्ट बेचती है वो। कुछ भी बेच सकती है यहाँ पे आके। कभी आपने बीफ बर्गर सुना है क्या जब इंडिया में? गाय का मांस। कभी आपने सुना है पोर्क बर्गर, सुअर का मांस? क्यों बेटा? ऐसा है कि बीफ बर्गर भी मिलता है, इंडिया से बाहर जाओगे बीफ बर्गर मिलेगा, पोर्क मिलेगा, सब मिलता है बेटा। लेकिन इंडिया में नहीं मिलता, क्योंकि इंडिया में सेंटीमेंट से बेटा रिलीजियस है भाई साहब, गाय हमारी माता है, वो तो मुझे पता ही है। हिंदू जितने भी यहां पर हैं सबके लिए जो गाय है बेटा वो माता है, और जितने भी मुस्लिम होते हैं उनके लिए जो सुअर है वो एक बुरा जानवर माना जाता है, वो उसको हेट करते हैं वो लोग, उसको उसका नाम लेना भी उनके लिए बुरा माना जाता है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू रिलीजियस सेंटीमेंट्स इंडिया में ये चीज़ें नहीं मिलती बेटा। लेकिन चिकन बर्गर बेटा हिंदू भी खाते हैं, मुसलमान भी खाते हैं, सब खाते हैं। तो वहाँ पे चिकन बर्गर अलाउड है। आपको इंडिया में बेचना है नॉनवेज तो आप मैकडी जाओ, चिकन बर्गर मिल जाएगा बेटा आपको। आपको नॉनवेज में अगर मैकडी में कुछ मिलेगा तो सिर्फ चिकन मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा बेटा। तो बेटा इंडियन सेंटीमेंट से बेटा ये तो आप रिलीजियस से बाहर कैसे जा सकते बेटा। यहाँ के जो लोग हैं बेटा, जो जैसे कि अभी श्राद्ध चल रहे थे तो श्राद्धों में लोग ज़्यादा प्याज वगैरह या लहसुन वगैरह नहीं खाते हैं, नवरात्रों में तो बिल्कुल भी नहीं खाते बेटा। तो फिर अभी डिमांड क्या चल रही थी बेटा कम, अब जैसे नवरात्र खत्म हुए बस कल से लोगों ने दबा के लहसुन प्याज की चटनी खाई थी कल, तो खाली इतने दिन से लहसुन प्याज नहीं खाए थे ना, तो कल पूरी बढ़ा से एक साथ निकाल ली बेटा। तो मुद्दा है बेटा हमारे यहाँ के क्या सोशल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी इफेक्ट करता है बेटा। मनमोहन सिंह जी LPG लेके आए थे, लेकिन हमारे मोदी जी मेक इन इंडिया लेके आए। उन्होंने कहा था कि बाहर की कंपनियां इंडिया में आने दो, और मोदी जी ने कहा कि बाहर की कंपनी को बाहर निकालो। तो सबकी अपनी अपनी सोच है बेटा, उससे चलता है बेटा बिजनेस। तो ये सारे फैक्टर एक्सटर्नल है, क्योंकि इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है बेटा, इस पर कोई भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, जबकि ये सब हमारे कंट्रोल में थे बेटा। ये सब हमारे कंट्रोल में है या कंट्रोल से बाहर है, और यहाँ पे ख़त्म हो जाती है चैप्टर 1 यूनिट 1 की कहानी, और शुरू होती है यूनिट 2 की कहानी। शुरू किया जाए बेटा। अपने डाउट कौन कौन से चैप्टर के हो गए बेटा? बिजनेस साइकिल के डाउट हो गए थे क्या अपने? तो उसके डाउट बाकी हैं, और मार्केट डाउट भी हो गए थे अपने, तो मार्केट डाउट भी हो गए थे, और मतलब डाउट सिर्फ अपने चैप्टर 5 के बचे अब, तो इसको खत्म कर लो। इसको खत्म करके सबसे पहले हम डाउट ले लेंगे चैप्टर 5 के, जब तक उसके डाउट हम लेंगे तब तक आप इसके भी क्वेश्चन कर लेना। तो इसके डाउट निपटा के हमें इस वीक में किसी भी हालत में खत्म करना पड़ा इको को, और मंडे से स्टार्ट करना बीसी के। और मंडे से अगर मैंने बीसी के स्टार्ट की तो ये तो आज स्टार्ट करिए कल खत्म हो जाएगा ना बेटा, सैटरडे को डाउट हो जाएंगे। तो मंडे से स्टार्ट कर सकते हैं बीसी के अपन। दिवाली छुट्टियाँ 22 से, 22 को धनतेरस है ना, 22 छुट्टी है, 5 दिन छुट्टी बेटा, 22, 23, 24, 25, 26। बीसी के बेटा अपन को कम से कम 2-2 घंटे क्लास लगानी पड़ेगी बेटा, कम से कम 20-25 दिन तो मानो बेटा। तो आपका बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा हो गया क्या?
लॉ रिपोर्टे छोटे छोटे से ना, बाकी मैथ्स अकाउंट से उसका बताओ आप। अकाउंट्स के अलावा सबका हो जाएगा 15 तक। तो बेटा जैसे आपके एक दो सब्जेक्ट निपट जाएंगे ना, तो अपन क्लास 2 घंटे की डालेंगे। और 2 घंटे जैसे मैंने अभी अपने 9 और 10 का मैंने बीसीके स्टार्ट किया था लास्ट सैटरडे को, और मतलब लास्ट टू लास्ट सैटरडे स्टार्ट किया था, तो लास्ट सैटरडे को ख़त्म कर दिया था मैंने, मतलब करीबन 8 दिन में। हाँ, 2-2 घंटे क्लास लगाई थी और उसका अपन ने ख़त्म कर दिया था बेटा अपन ने। हाँ, तो 2-2 घंटे क्लासे खत्म करेंगे बेटा बीसीके में, से भी क्या थ्योरी तो है बेटा उसमें से भी। चलिए बेटा, वर्ल्ड में जितनी भी इकोनॉमीज है, अब बेसिकली इकोनॉमीज 3 होती है बेटा, कौन कौन सी होती है बेटा? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। अब आपकी इकोनॉमी चाहे कैपिटलिस्ट हो, चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे मिक्स्ड, चाहे डेवलपिंग हो या डेवलप्ड, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस होते हैं बेटा, और वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, चार दिख रहा है बेटा? तो पहले क्या आगे लिखिए बेटा, व्हाट टू प्रोड्यूस के आगे लिखिए, प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, मतलब ये रिसोर्स अलोकेशन की प्रॉब्लम है बेटा। प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। सेकंड प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस के आगे लिखिए, प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक, प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक। और तीसरा फॉर हुम टू प्रोड्यूस के आगे लिखिए, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चौथी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है बेटा। अरे डेवलपमेंट के लिए क्या किया जा सकता है बेटा, तो सब डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं बेटा हम लोग, कोशिश जारी है बेटा, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा बेटा। क्या डेवलपमेंट हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? तो पहली प्रॉब्लम को हमने यहाँ पर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम क्यों नहीं कहा, हमने क्या नाम दिया बेटा इसको? एलोकेशन ऑफ। हमारे पास टोटल लेबर कितने हैं बेटा, और हम कितने गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं? एक्स एन, तो 50 लेबर यहां पे लगा दिए और 50 लेबर, और अगर एक्स का प्रोडक्शन बढ़ा तो कैसे बढ़ाएं? तो जब हम ये सोचते हैं कि क्या बनाया जाए, तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि उसके लिए रिसोर्सेस कहां से लाएंगे। तो ये प्रॉब्लम ये नहीं क्या बनाएं, ये है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, कि रिसोर्सेस कहां से लाएंगे। फिर ये सोचा कि कैसे बनाए, तो टेक्निक आ गई दो बेटा, एक तो लेबर इंटेंसिव और एक चूज करना पड़ेगा। जहां पे दो टेक्निक होगी तो क्या करना पड़ेगा बेटा? चूज, चॉइस। लेबर इंटेंसिव क्या होता है? लेबर ज्यादा कैपिटल, और कैपिटल इंटेंसिव कैपिटल ज्यादा लेबर। तो जहां पे लेबर ज्यादा है बेटा वो क्या यूज करेगा? लेबर इंटेंसिव। और जिसके पास कैपिटल ज्यादा है बेटा वो सिंपल है बेटा। तीसरा बेटा, किसके लिए प्रोडक्शन? डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो? तो डिस्ट्रीब्यूशन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिस तीनों प्रॉब्लम को अलग अलग इकोनॉमीज अपने अपने तरीके से सॉल्व करती है बेटा। तो ये समझने के लिए आपको पहले उन 3 इकोनॉमीज को समझना होगा बेटा, कि वो 3 इकोनॉमीज कौन कौन सी हैं और वो कैसे काम करती है। 3 इकोनॉमी कौन कौन सी है बेटा? वो तो आपकी जानकारी बता दूं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी होती है, जहां पे सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के पास होता है बेटा। सब कुछ किसके पास है बेटा? प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी, इसलिए इसको फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं बेटा। कौन सी इकोनॉमी? आइए पहले इसके फीचर्स देख लिए जाए बेटा। फीचर्स पे पहला फीचर क्या है बेटा इसका? तो आप कहेंगे वो तो इंडिया में भी है। इंडिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट है, लेकिन लिमिटेड। लेकिन तो लिमिटेड और अनलिमिटेड में क्या डिफरेंस है भाई साहब? कुछ फर्क है, गुड। वो कुछ फर्क क्या है बेटा? वो हाँ बेटे,
इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की नहीं है। आपको पता है कि आमेर का किला, जयगढ़, नारगढ़, सिटी पैलेस, गोविंद जी का मंदिर, ये सब हमारे यहाँ के जो राजघराना है उसका है बेटा। ये प्रॉपर्टी आज भी उनके नाम है बेटा। ये सारी चीज़ें इन्होंने गवर्नमेंट को रेंट पे दे रखी है बेटा, और सरकार इनको क्या देती है, इसका रेंट। जो टूरिस्ट आते हैं जिनसे पैसा लेते हैं ना, तो वो पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या ले रखा है, रेंट पे। और आपको जान के हैरानी होगी कि इन सब का रेंट कितना है, 1 रुपया। आमेर के किले का रेंट 1 रुपया, जयगढ़ का 1 रुपया, नारगढ़ का 1 रुपया, नहीं नहीं महीने का 1 रुपया। उसके पीछे वजह बताता हूँ आपको। उनको पैसा नहीं चाहिए, पैसा बहुत है उनके पास, उनको पैसा नहीं चाहिए। उनको ये चाहिए कि पहली बात तो उसकी देखभाल होती रहे, खुला रहेगा, लोग आएंगे जाएंगे तो सफाई होगी, देखभाल होगी तो देखभाल होती रहेगी। दूसरा, गवर्नमेंट को ये बात याद रहेगी कि वो इनकी नहीं है, क्योंकि किराया जा रहा है, जिसका किराया जा रहा है वो चीज़ आपकी नहीं है, चाहे 1 रुपये किराया, लेकिन किराया जा रहा है। तो किराया इस बात के लिए जाता था कि गवर्नमेंट को याद रहे, कल को गवर्नमेंट हीरा समझ ले तो अपना ही है, तो आमेरे किला बोले तो अपना ही भेज दो। अरे कैसे भेज दे भाई, तेरा नहीं है भैया, ये किसका है, राजाओं का, राजघराने का है, आप किराएदार हो गए, क्या बेटा आप किराएदार। तो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में बात चल रही थी, लिमिटेड अनलिमिटेड, वो क्लियर कर दूं बेटा मैं आपको। आपकी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, आपके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी की राइट है, आपका घर किसका घर है, और आप अगर आपका ही तो है तो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है कि नहीं है, लेकिन अनलिमिटेड नहीं। अगर सरकार को वहां पे कुछ प्रोजेक्ट बनाना होगा ना, तो सरकार आपसे पूछेगी नहीं, आपको बताएगी कि हमने आपकी जमीन ले ली है, इसका जो कंपनसेशन बनता वो ले और अपने घर जाओ। हाँ बेटा, हाँ नए घर के लिए निकलो तो कंपनसेशन लो और अपने घर जाओ। तो ये है लिमिटेड प्रॉपर्टी राइट्स, कि आपकी जमीन आपकी है तब तक जब तक सरकार को नहीं चाहिए, जिस दिन सरकार को चाहिए होगी उस दिन वो जमीन आपकी नहीं होगी, और सरकार आपसे पूछेगी नहीं। अरे ये गोपालपुरा को देख लो, गोपालपुरा के सारे मकान टूटे हुए हैं, बाहर जो फ्रंट वाला है वो तो अभी तक बना भी नहीं है दोबारा। ये सारे मकान गवर्नमेंट ने तोड़े थे क्योंकि उनको रोड बड़ी करनी थी बेटा, और उसके लिए बेटा उन्होंने लोगों को नोटिस भेजा था कि आप अपने खुद मकान तोड़ दें, इतने फीट आप मकान तोड़ दें, नहीं तोड़ोगे तो हम तोड़ेंगे, और हम तोड़ेंगे तो पैसे आपसे लेंगे। तो जिन लोगों ने नहीं तोड़ा था, गवर्नमेंट आके तोड़ा था, उसके पैसे उन्होंने उन लोगों से ही लिए थे। तो ये गवर्नमेंट है बेटा, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता बेटा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अनलिमिटेड प्रॉपर्टी राइट्स है बेटा, आपकी जमीन आपकी, सरकार आपसे मांग सकती है, लेकिन देना या ना देना आप पर डिपेंड करता है बेटा। वहां पे सरकार आके पूछेगी, भैया प्लीज हमें हाईवे बनाना है, रोड पे आपका बीच में मकान आ रहा है आपका, क्या आप अपना मकान बेचेंगे, नहीं प्लीज भेज दो ना, बोल देना एक बार। तो फिर हाईवे साइड से जाएगा बेटा, मकान नहीं हटेगा अपनी जगह से बेटा। नहीं बना सकते क्योंकि तो मकान मेरा तो छत भी मेरी है भाई साहब, तो मेरी छत को भी आप यूज नहीं कर, साइड से ले जाओ, साइड से ऐसे घुमा के ले जाओ आगे से, लेकिन यहां से नहीं। अमेरिका में कई मकान है रोड के बीचों बीच, और फेसबुक पे और इस पे कई बार वो उनकी फोटो आती रहती है, रोड के बीचों बीच बना हुआ मकान। फ्लाईओवर बनना था, एक आदमी मना कर दिया साहब फ्लाईओवर, तो फ्लाईओवर ऐसे जा रहा है साइड से, बीच में अगले का मकान बना हुआ, मैं नहीं दूंगा साहब मकान साहब मेरा, अमेरिका। तो वो अनलिमिटेड प्रॉपर्टी राइट कहाँ मिलता है, सिर्फ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फायदा ये है कि अगर आपकी जमीन आपका मकान है ना, तो सरकार आपसे पूछ कर ही आपसे ले सकती है, बिना पूछे नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है बेटा, यहाँ पे क्या होते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट्स। सेकंड बेटा, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, जो काम आप करना चाहे वो काम आप कर सकते हैं, बस वो काम लीगल होना चाहिए बेटा। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, गांजा बेचते हैं, गांजा, हाँ हमारे तो अफीम बेचते हैं, ऐसा अपने इंडिया में क्यों नहीं है, क्योंकि अपनी इकोनॉमी मिक्स्ड है बेटा, मिक्स्ड
और मिक्स्ड इकोनॉमी। हाँ पाकिस्तान, पाकिस्तान तो बेटा इंडिया के पीछे भी चलता है बेटा। इंडिया खाई में कूदेगा ना वो भी कूदेगा। अगर इंडिया कहना है कि हम अपने पे न्यूक्लियर बम लगा के खुद ही फाड़ देंगे हम, पाकिस्तान कहेगा अच्छा अकेले अकेले हैं, मैं भी तुम दो लगाओगे तो हम चार लगाएंगे। पाकिस्तान वो हर चीज इंडिया की देख के ही चलता है, लेकिन बेचारा हम जैसा बनने की बहुत कोशिश करता है लेकिन बन नहीं पाता बेचारा। हाँ बेटा, तो बेटा उसकी हालत वैसे बहुत खराब है, मुझे दया आती है बेटा उसके ऊपर। एक टाइम तो मुझे नफरत थी, मुझे उस पर दया आती है बेटा। कैसे जीतेंगे वहां पे लोग, 400 रुपये लीटर दूध, 200 रुपये लीटर पेट्रोल, 300 रुपये किलो आलू, 150 रुपये किलो आटा। वहां महंगाई भाई साहब टॉप पर है, सब लोग रोटी नहीं खा पा रहे, लोग बेचारे टिड्डी खा के काम चला रहे हैं बस। आजकल वो भी नहीं आ रही है, तो पहले टिड्डियां पकड़ के वही फ्राई करके खा रहे थे बेचारे, टिड्डी फ्राई। टिड्डी जानते क्या, राम जी का घोड़ा। हाँ टिड्डी अटैक होता है ना, टिड्डी आती है बहुत सारी। तो पिछले क्या 2-3 साल से तो आ रही थी, तो काम उससे चला रहे बेचारे, उसको पकड़ लेते थे और फिर फ्राई करके खा लेते बेटा उसको। अब तो बेचारे टिड्डियाँ भी नहीं आ रही बेचारों की, क्या ही जिंदगी हो बेचारों की। आओ बेटा ऊपर से पानी और आ गया, तो बाढ़ आ गई, बताओ पानी भी काम चला रहे। गुड, लिटरली इस टाइम अगर वर्ल्ड में किसी कंट्रीज की हालत खराब है तो बेटा वो श्रीलंका और पाकिस्तान है बेटा, जिन्हें इस टाइम बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है। और हम लोग कर भी थे श्रीलंका को, तो कर भी रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन ऐसे हैं कि बेटा उसकी मदद करने की इच्छा करती है, लेकिन फिर जो रिलेशन है उसको देख के बोले बढ़िया मरने दो, कोई तकलीफ नहीं है। श्रीलंका में तकलीफ हुई, श्रीलंका को हमने पेट्रोल भी दिया, श्रीलंका को हमने पैसा भी दिया, खाना भी दिया, सब कुछ दिया। यहाँ से फूड सप्लाई भी गई है श्रीलंका, यहाँ से पैसे भी गए हैं, यहाँ से पेट्रोल भी गया। चाहे हमें महंगा पड़ रहा है लेकिन हमने पेट्रोल दिया श्रीलंका को, तो बुरे टाइम में हमने श्रीलंका का साथ दिया। और कोई देश होता उसका भी साथ देते हम, लेकिन पाकिस्तान का, चाइना को मदद नहीं करेंगे बेटा हम लोग, क्योंकि चाइना वर्ल्ड की एक ऐसी कंट्री है बेटा जिसकी कोई पॉलिसी नहीं है बेटा। वो किसी का दोस्त नहीं है, किसी का दुश्मन नहीं है, और अपोजिट भी हो सकता है, सबका दोस्त सबका दुश्मन। इंडिया चाइना के रिलेशन बहुत अच्छे हुआ करते थे कभी, 62 की बात है, हमारे चाइना के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। और इंडिया चाइना बॉर्डर पे आर्मी नहीं थी, हम आर्मी रखते नहीं थे वहाँ पे, जैसे इंडिया नेपाल है ना, आ रहे हैं जा रहे हैं, 2-4 पुलिस वाले बिठा रखे हैं, बस वही पूछ लेते हैं कहाँ जा रहे हो क्या कर रहे हो, बस इतना। तो चाइना बॉर्डर पर हमारी एक चौकी थी, इसमें 15-20 लोग थे बस, और उनके पास भी कोई ज़्यादा हथियार वथियार नहीं थे, लिमिटेड भाई, कोई आता जाता तो है नहीं वैसे भी। और दोनों तरफ वो लोग खड़े होकर नारे लगाया करते थे, हिंदी चीनी भाई भाई, वहाँ की आर्मी यहाँ की आर्मी, शाम के टाइम खड़े रहते थे, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, तुम हमारे भाई हम तुम्हारे भाई, दोनों भाई भाई। एक दिन ये 15-20 लोग ऐसे बैठ के सुबह सुबह की चाय पी रहे थे, आके गोली मार दी, अटैक कब्जा कर लिया। यहाँ पे जो लोग थे उनके पास हथियार कम थे, लिमिटेड हथियार थे, जितना लड़ सके लड़ लिए बेचारे, जितने इनकी एबिलिटी थी, जितनी गोलियाँ जितने हथियार थे। मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला था, क्योंकि जब बंदूक की गोलियाँ ख़त्म हो गई थी तो गन के आगे जो चाकू लगा होता है ना, उससे भी 15-20 लोगों को उड़ा दिया उसने, तो वो एबिलिटी थी उनकी कि गोलियाँ तो ख़त्म हो गई, गोलियाँ तो थी भी नहीं, तो फिर निकाला चाकू और इनको तो बोले ऐसे निपटा दूंगा मैं, करीब 25-30 गोलियाँ लगी थी उनको। तो बेटा उस कंट्री की क्या पॉलिसी बेटा, जो कल तक कह रहे हैं कि हम आपके भाई भाई हैं और ये, और वो अचानक अटैक ही कर दिया आपके ऊपर। जब तक हम संभल पाते तब तक पाकिस्तान ने अटैक कर दिया बेटा। तो 60 से 65 का टाइम हमारे लिए बहुत क्रिटिकल टाइम था इंडिया के लिए, बहुत सारी तकलीफें देखी 5 साल बेटा हमने। और शायद ये वो टाइम था जब हमारे पास पैसे भी नहीं थे हमारे पास, तो 65-66 तक आते आते हमारी इकनॉमी बहुत बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी बेटा। हालांकि हम चाइना से भी जीते और हम पाकिस्तान से भी जीते, लेकिन हालात हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए थे बेटा, तो इकनॉमी वहाँ पे काफ़ी डूबी थी बेटा। अगर ऐसे हालात नहीं हुए तो चाइना की हेल्प क्यों करेंगे बेटा, ऐसी कंट्री की हेल्प करनी चाहिए क्या, आप बता दो। अगर आपके हमारे रिलेशन ख़राब हैं, और आप देखो सबसे ज़्यादा तकलीफ किस आदमी से है, वो
जिस पे आप विश्वास करते हैं, भरोसा, जैसे ये आपके पड़ोसी बैठे हैं, चलिए एक एग्जांपल है, अब ये पड़ोसी बैठे हैं और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठे हो, आप जानते हो कि ये कोई कोई आपके खिलाफ कोई एक्शन वैक्शन तो लेने वाले है नहीं, आराम से बैठे, तो आप कैसे बैठे हो एकदम फ्री, अचानक ही चक्कू निकाल के गुजर दे। अब तो ये बंदा आपके लिए बहुत खतरनाक है। अगर आप बता रहे कि बाहर से कोई आएगा वो मेरे अटैक कर सकता है, तुम तैयार होकर बैठोगे एकदम ऐसे लठ वठ लेके बैठोगे, आते ही फोड़ दूंगा उसको मैं। अब ये तो साथ बैठा है, 24 घंटे साथ ही बैठा है, नारा लगा रहा है हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, और फिर अचानक आके भाई साहब चाकू मार दे, तो ये गलत ही है ना। मैं तो इससे बड़ा सबसे घटिया पॉलिसी चाइना की। चलिए जो काम आपको करना है लीगल लीगल जो भी आप एक्टिविटी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इसके बाद चॉइस की भी पूरी इश्यू है बेटा, पूरा चॉइस फ्री दे रखा है आपको, जो कंज्यूम करना है कंज्यूम। देखो तो हमारी इकोनॉमी मिक्सड है, तो आप आपको कैपिटलिस्ट के फीचर मिलेंगे, डी मार्ट जाते हो आप लोग, रिलायंस फ्रेश, कभी सामान खरीदे जाते हो वहां पे आप, वहां पे सामान क्या खरीदते हो जो आपकी इच्छा होती है, वो जो ऑफर किया जाता है, वो जो हमारी इच्छा होती है हम वही खरीद लेते हैं कि साहब मुझे साबुन यही चाहिए तो यही चाहिए, साहब लक्स ही चाहिए, साहब डेटॉल ही चाहिए, साहब लाइफ बॉय चाहिए। तो आप फ्रीडम है आपको, आप जो कंज्यूम करना चाहें वो कंज्यूम कर सकते हैं, मोमोज खा रहे तो मोमोज खाओ और पिज्जा खाना था पिज्जा, जो काम करना है वो करो, लीगल होना चाहिए, जो प्रोडक्शन जो एक्सचेंज। हाँ बेटा और कुछ खाना चाहते हो? दाल बाटी खानी, खाओ बेटा, किससे बनानी, क्या चूरमे के साथ खाओ बेटा। आपको पता है दाल बाटी चूरमा बेसिकली राजस्थान का खाना है, और राजस्थान के बाहर के लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। कुछ रिलेटिव्स आए हमारे पंजाब के और हमने दाल बाटी चूरमा रखा था, तो वो प्लेट में रख के सब कुछ रख दिया उन्होंने, 3 तरीके का चूरमा, कढ़ी चावल बाटी, ये बाटी वो बाटी, मसाला बाटी सादा बाटी, सब कुछ रख दिया और वो बैठा ऐसे। मैंने कहा भाई खाओ इसको, भले बताओ किसके साथ क्या खाना है, अरे कौन सा कॉम्बिनेशन किसके साथ है, 50 आइटम तो लगा दिए है क्या ये बॉल। बोले बाटी है, बोले बाटी ऐसे खोला उसको, बोले तो कच्चा आटा है, तुम कच्चा आटा ही खिला रहे हो यार, बताओ यार। बोले खा के देख बावड़े पहले, फिर बता क्या तेरे को कच्चा आटा, तो ये इसके साथ खा, ये इसके साथ खा, और ये बाटी आप किसी के साथ भी खा सकते हो, चूरमा तो चूरमा ही है, राजस्थान का सबसे बेहतरीन खाना माना जाता है बेटा दाल बड़ी चूरमा, है ना बेटा। देखा बच्चों को भूख लग गई, चलो कोई बात नहीं बेटा, या तो फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस है, जिसको जो करना है करो, साफ मोटे अगला मोटे हो प्रॉफिट। बेटा क्यों काम करता है प्राइवेट सेक्टर, अपना इंस्टीट्यूट क्या है, प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है बेटा, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, प्रॉफिट की वेलफेयर, अरे वेलफेयर तो कर रहे हैं हम आप लोगों का, कल्याण तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कल्याण नहीं, हाँ लाल झंडा यूनियन खड़ी जाएगी यहाँ पे। तो बड़ा ऐसा है कि एग्जैक्टली हमारा जो मोटिव है वो प्रॉफिट है, लेकिन हमारा प्रॉफिट आपके वेलफेयर से जुड़ा हुआ है, अब वो हमारी मजबूरी है कि हमें आपको अच्छे रिजल्ट दिलाने ही पड़ेंगे बेटा, क्योंकि अगर अच्छे रिजल्ट नहीं दिलाएंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं, तो हमारा प्रॉफिट आपके वेलफेयर से जुड़ा हुआ है, इसलिए वेलफेयर कर रहे हैं। अगर नहीं जुड़ा होता ना, अगर हम सरकारी होते, सरकार से सैलरी मिल रही होती, चाहे फेल हो या पास आपको सैलरी मिलेगी तो टेंशन खत्म, फिर पढ़ो तो पढ़ो वरना। लेकिन आज हम कहते हैं बेटा पढ़ लो रे पढ़ लो, 10 हज़ार बोलते हैं, जो चले गए उनको बोलते हैं भाई पढ़ लो, लेकिन उनको नींद आती है बताओ, चलो कोई बात नहीं, सोने वाले को कौन रोक सकता है बेटा। इसके बाद बेटा कंज्यूमर इज सपोज टू बी द किंग, इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंज्यूमर किंग है बेटा, कंज्यूमर क्या है बेटा, किंग। ये किसी भी आदमी को रातों रात स्टार बना सकता है और किसी भी आदमी को खेल खत्म कर सकता है बेटा। मैंने एक टाइम था जब शाहरुख खान सलमान खान की मूवी आने से पहले ही लोग बावड़े रहते थे, सलमान खान की मूवी आ रही है, शाहरुख खान की मूवी आ रही है, आजकल पहले चलता है बायकॉट, लाल सिंह चड्ढा बायकॉट, बायकॉट बायकॉट बायकॉट, बॉलीवुड को बायकॉट कर दो, सिर्फ तमिल मूवी देखो, साउथ की मूवी देखो, और ये सब क्या कर दो, बायकॉट। ये इतने साल मुझे इस इंडस्ट्री को देखते हुए हो गए, ये पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ
कि साउथ की मूवीज को लेके क्रेज ज्यादा है। लोग केजीएफ 2 के लिए जितना क्रेज लेके गए थे उतना उनको बाकी अपने यहां की किसी मूवी के लिए क्रेज नहीं था, नहीं था। आरआरआर के लिए लोगों के क्रेज था, पुष्पा 2 के लिए लोगों को क्रेज है, तो साउथ की मूवीज के लिए क्रेज बाहुबली 2, वो तो खाली एक ही क्वेश्चन था बस वो। हाँ कटप्पा ने क्यों मारा, चटप्पा ने, चाचा कटप्पा, मामा कटप्पा, मामा कटप्पा ने क्यों मारा बेचारे, दो साल तक सोचते रहे बैठ के। इसलिए मैंने बाहुबली 1 देखी नहीं, मैंने पहले 2 आई फिर मैंने 1 देखी, फिर 1 खत्म होते 2 चला ली, कंफ्यूजन ही नहीं हुआ, मुझे वेट भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक ही चीज चल रही थी, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा कटप्पा। तो मैंने कहा यार बड़े दिमाग में कंफ्यूजन, देख लेंगे तो कंफ्यूजन होगा, देखना ही नहीं अपने को। तो कब देखी, जब क्या आ गई 2, तो पहले 1 देखी और बाद में 1 खत्म होते ही 2 दोनों चला ली, बस बात खत्म बेटा, अपना काम बनता और वेरी गुड बेटा। तो आप राजा हैं बेटा, आपकी वजह से ही साउथ के जो हीरो थे वो सुपरस्टार हो गए। और मैंने ये चीज नोटिस की है कि साउथ में बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट होती है एक्टर्स की, लाइक रजनीकांत, मंदिर है साउथ में रजनीकांत का, वहां पे पूजा होती है सुबह शाम, जय रजनी देवा जय रजनी देवा। हाँ हाँ सुबह शाम आरती होती है, प्रसाद बढ़ता है वहां पे, उनकी मूर्ति लगा रखी रजनीकांत की, भगवान है वो। रजनीकांत की कोई मूवी बनी थी और ये कहा गया था ये मूवी तो फ्लॉप है, ये मूवी क्या है फ्लॉप, तो वहां पे लोगों ने 3 साल तक के लिए सारे स्टेडियम का जो पिक्चर हॉल थे वो बुक करवा दिए बेटा एडवांस में, बोले ये मूवी 3 साल तक हॉल पे चलनी चाहिए, सारे शो आपके बुक है 3 साल तक के लिए, एक भी हॉल से उतरनी नहीं चाहिए और गेट खोल दो, जिसको आगे देखनी है फ्री में आके देख जाए, पैसे मत देना उससे। ये होता है क्रेज, क्या आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि हमारे भगवान की पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी ना। तो वो साउथ में 3 साल तक किसी भी थिएटर से मूवी उतरी नहीं, क्योंकि 3 साल तक के टिकट एडवांस में बुक थे, पहले दे दी उसको पेमेंट, ये पकड़ 3 साल का पेमेंट, 3 साल तक एक भी शो खाली, मतलब वो रुकना नहीं चाहिए, चलना चाहिए और गेट खुले रखो, जिसको भी आना है वो फ्री में आके देखे। तो वो इतना क्रेज बेटा जितना वहां पर है उतार, और ये लोग ही तो हैं जिन्होंने क्या बनाया भगवान। तो ये प्राइवेट इकोनॉमी है बेटा, और यहां पर बेटा कंज्यूमर ही फाइनल डिसीजन मेकर है, आप कौन से कोचिंग में पढ़ने जाएंगे ये आपने डिसाइड किया, आपने डिसाइड किया ना, ये आप ही तो किंग हो, आपकी मर्जी, आप जहां जाना है वहां जा सकते हो बेटा। तो कंज्यूमर इज किंग, आप जिस चीज की डिमांड करेंगे उस चीज का क्या होगा प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन किस बेस पे होगा बेटा डिमांड, और डिमांड कौन करेंगे बेटा कॉम्पिटिशन, बेटा यहां पर बहुत ज्यादा होता है, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो जियो को देख लो, जियो वी एयरटेल क्या कॉम्पिटिशन चल रहा है बेटा अभी खतरनाक। और रही बात गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बेटा, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता बेटा, गवर्नमेंट होती जरूर है लेकिन गवर्नमेंट इकोनॉमिक सेक्टर में इंटरफेयर नहीं कर सकती, नो। अमेरिका ये डिसीजन ले सकती है कि कहां पर अटैक करना है, कहां पर अटैक नहीं करना है, किसके साथ रिलेशन रखना है, किसके साथ नहीं रखना, लेकिन इकोनॉमिक सेक्टर में वो यहां पर इंटरफेयर नहीं कर सकते बेटा। किस देश के साथ लड़ाई लड़नी है, कहां नहीं लड़नी है, यूक्रेन को बचाना है या नहीं बचाना है, वो सब फैसले ले सकते हो, लेकिन लोग क्या बनाएंगे और क्या बेचेंगे बेटा इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता। तो यहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स होते हैं समाप्त, किसी में कोई डाउट है तो पूछो बेटा फटाफट। इकोनॉमिक फील्ड में नहीं कर सकते बेटा, तो बेटा वहां पे प्राइवेट सेक्टर में छोड़ दिया बेटा, वो चाहे तो एक्सेप्ट करे चाहे तो ना करे बेटा, दे जाओ वहां पे गन को बंद नहीं कर पा रही गवर्नमेंट, कह रही वहां पे गन बंद कर दो, गवर्नमेंट गन बंद नहीं कर पा रही, वहां पे गन ऐसे मिलती है जैसे कोई सब्जी खरीदेंगे, जैसे कोई 2 किलो टेंडे देना 2 गन देना, तो 2 किलो टेंडे लाए साथ में 2 गन लिया, तो गन कल्चर क्यों बढ़ रहा है वहां पे, क्योंकि वहां पर गन अलाउ है, और अलाउ है तो बेटा वहां बिना लाइसेंस के बिकती है, आपके पास लाइसेंस हो या ना हो आप गन खरीद सकते हैं, तो घर के लिए राशन खरीदा अमेरिका में, राशन खरीदना गन खरीदना बड़ा बराबर है। और ये चक्कर है कि स्कूल में लड़ाई होती है, आए दिन आता है कि स्कूल में फायरिंग हो गई, स्कूल में बच्चों की आपस में लड़ाई हो गई, बच्चे ने गन उठाई 6-7 लोगों को उड़ा दिया, हाँ सर को भी उड़ा दिया साथ में, एनी डाउट, तो कल खत्म करते हैं बेटा इसको।